न्यूज 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मनदीप और मेरे साथ में मौजूद है नीलू। तो चलिए वोटिंग परसेंटेज से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कि संभल में 29.55% अभी तक वोट परसेंटेज हुआ है, ये आपको बता रहे हैं 11 बजे तक का मतदान फीसदी। हाथरस की बात करें तो 26.05, आगरा में 25.87, फतेहपुर सीकरी में 27.63% अभी तक वोट कास्ट हुआ है। फिरोजाबाद की बात की जाए तो 24.42% मतदान, मैनपुरी में 25.13%, जबकि एटा की बात की जाए तो एटा में अब तक 27.17% मतदान हुआ है। वहीं बदायूं में 26.02, आंवला में 25.98 और बरेली में 23.60% मतदान दर्ज किया गया है। तो अब तक का जो मतदान प्रतिशत है वो ठीक ठाक रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि रफ्तार क्या इसी तरह से आगे रहती है या फिर इसमें सुस्ती देखने को मिलती है, दो फेज की तरह कम मतदान होता है या फिर इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। तो पिछले दो फेज में देखें तो काफी ज्यादा कम परसेंटेज वोटिंग हुई थी, गर्मी बहुत ज्यादा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी इसी को लेकर सवाल उठाए कि एक महीना पहले भी वोटिंग हो सकती थी और वो भी जनता से अपील करते हुए नजर आए थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप घरों से निकलिए और साथ ही वोट कास्ट करें। साथ ही आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कहां पर कितना फीसदी वोटिंग अभी तक हुई है। हाथरस में 26.05% मतदान हुआ है, ये 11 बजे तक का वोट प्रतिशत आपको बता रहे हैं। आगरा में 25.87% वोटिंग हुई है। गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बचते नजर आते हैं ज्यादा गर्मी में, और ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि वोटिंग इस बार काफी ज्यादा कम है, लोगों में उत्साह उतना ज्यादा नहीं है नीलू जितना 2019 में देखने को मिला। बिल्कुल, और उस हिसाब से बहुत सारे कयास इसके पीछे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फतेहपुर सीकरी में 27 के आसपास मतदान प्रतिशत रहा है। आप एटा का भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी ठीक ठाक है 27.17%, और संभल भी अच्छा खासा मतदान प्रतिशत अभी शुरुआती दौर में यानी कि 11 बजे तक में देखा जा रहा है।